राम राम दोस्तों, मैं मोहित सिंह आपका टेकिस्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग में फिंगरप्रिंट को ऐड कैसे करें, साथ ही फिंगरप्रिंट से उसे ओपन कैसे करें। तो अब हम बिना समय गवाए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग में फिंगरप्रिंट को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन करते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपका बैंक आपके द्वार। अब हम यहां पर अपने एमपिन लगाते हैं। इस तरह हमारा IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन हो जाता है और ऊपर हमारा नाम आ जाता है। अब हम 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने हमारी प्रोफाइल खुल जाती है। यहां पर हमारे सामने कई ऑप्शन आते हैं, जैसे होम, माई प्रोफाइल, चेंज एमपिन, चार्जेज, कॉन्टैक्ट अस, फेक, सिक्योरिटी क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट लॉगिन। तो हम यहां पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने आता है डू यू वांट टू यूज़ फिंगरप्रिंट फॉर लॉगिन, तो हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने आता है प्लीज़ ऑथेंटिकेट यूजिंग फिंगरप्रिंट, तो हम यहाँ पर हमारी फिंगर लगाते हैं। तो इस तरह हमारा फिंगरप्रिंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग में ऐड हो चुका है। अब हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग को बिना एमपिन लगाए केवल फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर पाएंगे। इससे दोस्तों यह फायदा है कि इसको आपके अलावा और कोई ओपन नहीं कर पाएगा। इस तरह हम फ्रॉड से बच सकते हैं। अब हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो मैं आपको दिखा देता हूं। डियर कस्टमर, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर फिंगरप्रिंट ऑथ ऑन IPPB मोबाइल ऐप। अब मैं आपको IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप को फिंगरप्रिंट से ओपन करके दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन करता हूं। तो यहां पर मेरे सामने लिखा हुआ आता है प्लीज ऑथेंटिकेट यूजिंग फिंगरप्रिंट, तो मैं मेरी फिंगर यहां पर लगाता हूं। इस तरह मेरा IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप फिंगरप्रिंट से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एमपिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल टेकिस्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।